Welcome to the another episode of Home Gym Setup, and in this episode we are going to discuss about different types of weight plates. तो अलग अलग तरह की वेट की जो प्लेट्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में दिखाकर उनमें से कौन सी बेस्ट प्लेट आपको चूज करनी है फॉर योर होम जिम ट्रेनिंग. तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स अवेलेबल है मार्केट में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स हैं. ये सभी प्लेट्स 2.5 केजीज की हैं. तो ये पीवीसी है, ये आयरन, ये स्टील और ये हमारी ओलंपिक प्लेट्स. प्लेट्स के बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास दो तरह के डायमीटर्स होते हैं. एक होता है 50 mm और एक रहता है 28 mm. तो अगर आपके होम जिम सेटअप में जिम जैसी ओलंपिक बार है जिसका डायमीटर 50 mm है, तो आपको कोई भी प्लेट, इनमें से कोई भी क्वालिटी आप चूज कर रहे हैं, मेक श्योर उसका डायमीटर 28 mm ना होकर 50 mm हो. तो पीवीसी, आयरन, स्टील और ओलंपिक, ये सभी प्लेट्स 28 mm में भी अवेलेबल है और 50 mm में भी. लेकिन सबसे पहले आप अपने बारबेल के अकॉर्डिंग अपना डायमीटर चूज करेंगे. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीवीसी प्लेट की. अगर आपने मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो पीवीसी प्लेट के ऊपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप देख सकते हैं कि पीवीसी प्लेट के अंदर क्या है. फिर भी आपको फॉर द रफ आइडिया में बता देता हूँ, पीवीसी प्लेट सबसे सस्ती प्लेट है. 30 रुपए पर केजी से स्टार्ट होकर 45 रुपए पर केजी तक अवेलेबल है. डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है पीवीसी में भी. इसके अंदर रेता और बजरी फिल करते हैं, तो इसकी क्वालिटी बहुत पुअर है क्योंकि जब ये गिरती है ड्यूरिंग द वेट ट्रेनिंग एट योर होम जिम सेटअप, इसका ही प्लास्टिक खुल जाता है जिसकी वजह से सारा सीमेंट और रेता बाहर आ जाता है. तो इसकी लाइफ बहुत कम है. तो पीवीसी प्लेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बजट नहीं है, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से अपना होम जिम सेटअप पे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो पीवीसी प्लेट सिर्फ उनके लिए है, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता. अब नेक्स्ट है आयरन प्लेट्स. डायमीटर मैंने आपको समझा दिए थे 28 mm और 50 mm, आप अपनी बारबेल के अकॉर्डिंग चूज करेंगे. तो आयरन की प्लेट्स काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी क्योंकि ये मजबूत है और अगर ये गिर भी जाती है फ्लोर पर, फ्लोर टूट जाए लेकिन प्लेट नहीं टूटती, तो पीवीसी से बेटर है. लेकिन अब आयरन प्लेट और स्टील प्लेट दोनों अच्छी हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये पेंटेड होती हैं. कुछ टाइम बाद अगर इनका पेंट उतर जाए तो इस पे रस्ट लगने का डर रहता है. लेकिन जो क्रोम प्लेटेड हमारी स्टील प्लेट्स होती हैं इन पे रस्ट नहीं लगता. तो इन दोनों में से आयरन और स्टील में हमारी स्टील प्लेट ज्यादा बेटर है. वंस अगेन जो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इसकी ग्रिप है वो मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं. ओलंपिक प्लेट्स में हमारे पास ग्रिप करने के लिए इसकी जो शेप है कुछ इस तरह दी होती है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें ये सिर्फ 2.5 kg की प्लेट है इसलिए मैं इस तरह ग्रिप कर रहा हूं. लेकिन अगर यही प्लेट स्टील की या आयरन की 10 kg की होती तो मैं इस तरह ग्रिप नहीं कर सकता. इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको बड़ी प्लेट से एक बार एग्जांपल देता हूं. तो ये 7.5 kg की एक प्लेट है जो कि ओलंपिक प्लेट है और इसे मैं इजीली ग्रिप कर सकता हूं क्योंकि जो इसका डायमीटर और शेप है उसमें इन्होंने एंगल्स दिए हैं होल्ड करने के लिए. लेकिन अगर यही अगर मुझे पीवीसी की 10 kg की प्लेट एक हाथ से ग्रिप करनी हो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ग्रिप करने की कोशिश कर रहा हूं एक हाथ से तो ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ खींची जा रही है क्योंकि ग्रिप नहीं है. तो जब हम हैवी वेट्स ट्रेनिंग करते हैं हमारी प्लेट का साइज बड़ा होगा, चाहे वो स्टील हो चाहे आयरन हो. 10 kg की या 15 kg की अगर प्लेट हम ग्रिप करने की कोशिश करते हैं तो उसकी ग्रिप थोड़ी टफ रहती है एज कंपेयर टू ओलंपिक प्लेट्स की ग्रिप. तो ओलंपिक प्लेट्स भी हमें 28 mm में भी अवेलेबल है और 50 mm डायमीटर पे भी है. लेकिन गाइस प्राइसिंग सबसे बड़ी, बजट ये सबसे बड़ा मैटर करता है. पीवीसी प्लेट स्टार्टिंग है 30 kg से जाती है 45 kg तक. वैरायटी और क्वालिटी अलग होती है. उसके बाद आयरन ये स्टार्ट हो जाता है 70-80 rupees से 90 rupees पर केजी तक जाता है. तो ये थोड़ा सा बजट अप हो जाता है लेकिन क्वालिटी अप हो जाती है और इनकी लाइफ भी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू पीवीसी. स्टील अवेलेबल है अराउंड 100-110 rupees पर केजी. लेकिन जो ये क्वालिटी है ओलंपिक, इसमें 4-5 तरह की क्वालिटी आती है. आप वीडियो में देख सकते हैं अलग अलग तरह की प्लेट्स मैंने शो की है ओलंपिक क्वालिटी में. तो ये 105 रुपए पर केजी से शुरू होकर
₹150 पर केजी तक जाती है, लेकिन इससे ऊपर भी क्वालिटी है ₹250 केजी जो की होती है बम्पर प्लेट्स, जो कि मेरे पास नहीं है क्योंकि वो होती है हाई लेवल प्रोफेशनल एथलीट्स जो कि वेट लिफ्टर्स होते हैं उनके लिए। तो घर में तो हम वो सेटअप नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ द बजट है, इवन मेरे लिए भी वो आउट ऑफ द बजट है। तो अमंग दीज प्लेट्स बेस्ट जो रहेगी जो कि पॉकेट फ्रेंडली है वो तो है हमारी स्टील प्लेट्स, लेकिन इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था कि 15 किलो की प्लेट को ग्रिप करने में दिक्कत होती है। तो चाहे आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप 5 किलो 7.5 किलो की स्टील प्लेट्स लेकर ही ज्यादा क्वांटिटी में अपना सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टर हैं तो ओलंपिक प्लेट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगेन मेक श्योर यू चेक योर बजट एंड उतना ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है जब COVID-19 की लॉकडाउन के फेस थोड़े कम हो जाए, थोड़ी गवर्नमेंट हमें छूट दे दे कि जिम्स ओपन है, फिटनेस स्टूडियोज ओपन है, तब डेफिनेटली यू कैन गो टू द जिम फॉर योर वर्कआउट। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। जो मेरी तरफ से है वो यही है कि 5 और 7.5 किलो की स्टील प्लेट्स अगर आप ले रहे हैं देन गो फॉर इट, क्योंकि इनकी लाइफ अच्छी है और इनका ग्रिप भी अच्छा है। लेकिन अगर आप हैवी प्लेट्स ले रहे हैं 15 किलो की, देन गो विद द ओलंपिक प्लेट्स, क्योंकि इनमें ग्रिप करने के लिए हमें ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिलता है। एंड मेक श्योर यू स्टे एट होम, स्टे सेफ, कंटिन्यू योर वर्कआउट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट हेल्दी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपके डाउट हैं आई विल आंसर इट। एंड नेक्स्ट वीडियो जो भी आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं, होम जिम सेटअप पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।